और चलिए अगली खबर की बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली और उनकी सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए गए जाने को लेकर उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी संसद के अंदर गरीबों और युवाओं के मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ साजिश रचते हुए उनकी संसद सदस्यता को समाप्त करवा दिया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं देखिए, जिस धारा में उनकी सदस्यता रद्द हुई थी वो तो वैसे भी आजाद भारत में एक व्यक्ति को अन्य उसकी मैक्सिमम सजा मिली, तो बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने बिल्कुल उसकी वैधता को समझा, जो राहुल जी के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश करी थी उनको समझा, और साथ ही साथ जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित हुए जो देश की जनता के भाव हैं उनके प्रति, इन सारे भाव को भी समझा। वो केवल एक मात्र नेता नहीं, वो एक सोच एक मूवमेंट है, मैं बार बार कहता हूँ, एक सांसद ही नहीं मात्र है, वो एक सोच एक मूवमेंट है, और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने जो हाथ बढ़ाया है, मैं बहुत, हम सब लोकतंत्र के जो प्रेमी हैं, इस देश से प्यार करने वाले जो लोग हैं, उनका दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। राहुल जी की जो सोच है, राहुल जी जो इस देश को एक करने का प्रयास कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो विध्वंस की ओर इस देश को ले जा रही है, लगातार जनता उसको देख रही है। राहुल जी सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज बनकर, और वो शेर फिर से संसद में दहाड़ गए, इस बात की बहुत खुशी। इसके अलावा